कहते जो चौकीदार चोर है, ये भी शिवसेना कहती थी कि अब हम इनको अकेला लड़ेंगे। और जब इलेक्शन की बात आई तो जाकर मोदी का हाथ पकड़ लिए, जाकर कहा कि मोदी तेरा हाथ तेरा मदद चाहिए, क्योंकि बड़ा साहब हम पे खड़ा हुआ है। इसलिए बड़ा साहब का दल शिवसेना को मोदी के पास भिजा दिया। अब तो चमचागिरी करना छोड़ दो, अब तो बताओ कि महाराष्ट्र में बड़ा साहब ने इनकलाब लिख दिया है महाराष्ट्र की सियासत में। तुम कब तक मित्रों मोदी जी करते रहोगे? अरे तुम्हारे सामने बड़ा साहब एक मर्द मुजाहिद की तरह मोदी से मुकाबला कर रहा है। हर मीडिया के लोग मेरे पास आकर पूछते हैं, ए ओवैसी ये मुस्लिम वोट कहां जाएगा? मैं बोला मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बड़ा साहब से पूछो तो उनको जवाब दे देंगे। सोलापुर में कांग्रेस बीजेपी टाई टाई हो गई सोलापुर में, और इंशाल्लाह ताला बड़ा साहब न सिर्फ सोलापुर बल्कि अकोला से भी जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद बोलते ये शेड्यूल का सोच क्या होगा? बोला क्या होगा क्या मतलब? वो बेहतर जानते हैं उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है। वो बेहतर जानते हैं कि उनका हमदर्द कौन है। वो बेहतर जानते हैं कि बड़ा साहब न सिर्फ शेड्यूल कास्ट बल्कि माइनॉरिटीज ओबीसी और धनगर समाज कोली समाज का ऐसा रेनबो अलायंस क्रिएट किए कि इससे मोदी भी परेशान, शिवसेना भी परेशान, कांग्रेस भी परेशान और पवार साहिब भी परेशान। आरएसएस को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाना चाहिए। किसने कहा आरएसएस को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाना चाहिए? किसने कहा मुझे बताओ, जोर से बताओ, पुकार के बताओ ताकि नागपुर और मोदी को मालूम हो सके। किसने कहा? जोर से बोलो और जोर से बोलो, मोदी सुने। एक ही मिनट में पूरे बोल रहे बाड़ा साहिब, और लोग समझ रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे और लोग मोदी अब कोई नहीं बोल रहे। अच्छे दिन तो बहुजन वंचित आघाड़ी के आगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां से हमारे अच्छे दिन शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो हमारा मिलाप है ये सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक, पार्लियामेंट इलेक्शन तक नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी इलेक्शन महाराष्ट्र में आएंगे मैं बाला साहब के पीछे खड़ा रहूंगा। जिस तरह शिवाजी के साथ सिद्दी इब्राहिम कहा था, बाला साहब इसी तरह मैं आपके साथ खड़े रहूंगा इंशाअल्लाह। अगर एक बाबा साहेब अम्बेडकर का खून हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में चला जाएगा तो इनको डर है, खौफ है कि अंबेडकर का जानशीन, बाबा साहेब का जानशीन अगर पार्लियामेंट में खड़ा हो गया तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरो दीवार को भी अंबेडकर की औलाद की आवाज को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके